काय मोदी जी, कैसे हो? कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कनपुरिया चाचा। कानपुर से बोल रहे हैं चाचा जी। प्रणाम, मैं तो कानपुर का ही बेटा हूँ। फिर बेटा एक कहानी शुरू कर दी तुमने। कहीं जाते हो तो कहते हो कि यहीं का बेटा हो, गुजरात में गुजरात के बेटे हो, बनारस जाते हो तो कहते हो कि बनारस के बेटे हैं, दिल्ली में कहते हो कि दिल्ली के बेटे हैं। अब कभी ये ना कह देना चुनाव जीतने के बाद कि मैं तो इलेक्शन कमिश्नर का बेटा हूँ। अरे 3 साल तो हो गए, आओ कितना दिया बनाओगे? 3 साल तो बना ही दिया, और भी 2-3 साल बना ही लेंगे। अब तो नोटबंदी के भी साल भर हो गए, क्या किए? चचा, हमें और जेटली जी को कुछ और मौका दीजिए। तुम और जेटली मिलके जो चाय बना रहे हो ना, चाय तो खराब हो ही गई है, तुमने तो केतली भी जलाई दी। 60 महीना 60 महीना मांग रहे थे, अब तो तुम्हारे पास कुछ दिन बाद 8 महीने ही बचेंगे। हमने आपसे 60 महीने मांगे थे, और अगर इसमें काम नहीं हुए तो और 60 महीने दे दीजिएगा। देखो कानपुरी है हम तो, बजाई देंगे कान के नीचे, तभी हमारा नाम है कानपुरी, समझे कि नहीं? जनसंघियों की बात मान के जो सरकार चला रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है। जनसंघी इतने प्यारे लगते हो, हाफ ही पैंट पहन के कहीं नहीं चले जाते हो फॉरेन टूर में। देखो हम है कानपुरी, और हम ही गुटके मसाले बनाते हैं जो गुजराती भी खाते हैं और बनारसी भी खाते हैं, क्योंकि तो चमड़े का भी यहाँ बहुत बिजनेस है। चप्पल हम बहुत बनाते हैं, और नेतन को चुनाव के समय जो चप्पल से पिटाई होती है ना, उसमें कानपुरी बहुत फेमस है। सही।